और इसलिए दोस्तों, नया भारत आप सिर्फ सिक्योर फ्यूचर की नहीं सोचता, बल्कि भारत रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इंक्यूबेट करता है। मुझे याद है 2014 के आसपास हमारे देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 200-400 ही स्टार्टअप हुआ करते थे। कितने? जरा याद रख के बोलो ना यार। हाँ, और आज 8 साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स, आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स दोस्तों मुझे बताइए, आपने सुनने के बाद कहां 400, कहां 68,000? 200-400 से 68,000, आपका सीना गर्व से भर गया कि नहीं भर गया? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? और साथियों, इतना ही नहीं, सिर्फ स्टार्टअप्स की संख्या एक बात है, आज दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और अब मामला यूनिकॉर्न पर अटका नहीं है दोस्तों। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देखते ही देखते डेकाकॉर्न भी बन रहे हैं, यानी 10 बिलियन डॉलर का लेवल भी पार कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में सीएम वाली नौकरी करता था, और किसी भी हमारे साथी बाबू को पूछता है बच्चे क्या करते हैं, तो बोले आईएएस की तैयारी करता है, ज्यादातर यही कहते थे। आज भारत सरकार में बाबुओं से पूछता हूं, भाई क्या करते हैं, बेटे बेटी क्या कर रही है, बोले साहब वो तो स्टार्टअप में लग गए। ये परिवर्तन छोटा नहीं है दोस्तों। साथियों, मूल बात क्या है? मूल बात यही है, आज सरकार इनोवेटर्स के पांवों में जंजीर डालकर नहीं, उनमें जोश भर करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। अगर आपको जियो स्पेशल क्षेत्र में इनोवेशन करना हो, नए तरह के ड्रोन बनाना हो, या स्पेस के क्षेत्र में कोई नई सैटेलाइट या रॉकेट बनाना हो, इसके लिए सबसे खुला, सबसे नर्चरिंग वातावरण आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है दोस्तों। एक समय में भारत में कोई नई कंपनी रजिस्टर कराने चाहता था तो उसे रजिस्ट्री में कागज डालने के बाद वो भूल जाता था, तब तक रजिस्ट्री नहीं होती थी, महीने लग जाते थे। जो भरोसा बढ़ जाता है सरकार का, नागरिकों पर भरोसा बढ़ता है, नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है, अविश्वास की खाई खत्म होती है। नतीजा ये आता है कि आज अगर कंपनी रजिस्टर करनी है तो 24 घंटे लगते हैं दोस्तों, 24 घंटे।
बीते कुछ वर्षों में सरकार की एक आदत थी, एक चैम्बर हो ऑफिस का, 6 टेबल हो, नंबर 1 ने जनवरी में आपसे कुछ चीजें मांगी, नंबर 2 के टेबल वाला फरवरी में फिर वही मांगेगा, फिर नंबर 5 वाला टेबल फरवरी एंड में कहेगा यार वो कागज लाओ जरा मुझे जरूरत है। यानी नागरिकों को लगातार हजारों की तादाद में दोस्तों कंप्लाइंट, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, और वो लेकर के क्या करते थे वो जाने और आप जाने। साथियों आप हैरान हो जाएंगे, अब ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, 25,000 से ज्यादा कंप्लाइंस खत्म की हमने। इतना ही नहीं, मैं 2013 में चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरी पार्टी ने घोषित कर दिया था कि इसको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, तो मैं जाता गया से भाषण करता था लोगों से। तो एक दिन दिल्ली में सब व्यापारियों ने मुझे बुलाया, तो व्यापारी का बड़ा सम्मेलन था, और उसमें जो मेरे आगे सज्जन बोल रहे थे वो कह रहे थे देखिए वो कानून बना है, वो कानून बना है, ये कानून बना है, इसका कानून बना, सारा ढेर सारे कानून बता रहे थे। अब चुनाव के समय तो सब लोग यही कहते हैं ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन दोस्तों मैं जरा दूसरी मिट्टी का इंसान हूं, तो मैं भाषण देते देते खड़ा हुआ, ये 2013 की बात है, मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई आप लोग कानून बनाने की बात करते हैं, मैं तो मेरा तो इरादा ही अलग है, मुझे पता नहीं मैं आपको बताऊंगा वोट दोगे कि नहीं दोगे, मेरी तो छुट्टी कर दोगे आप लोग। मैंने कहा मैं आपको वादा करता हूं मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा आकर के, बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि यह इंसान को कुछ समझ नहीं है रहा सरकार क्या होती है, ऐसे ही माना होगा और क्या। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको मेरा हिसाब दे रहा हूं, पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म कर दिए दोस्तों।